दर्शकों, खालसा कॉलेज फॉर वूमेन दे विच गुरु नानक देव जी दे नाल संबंधित डॉक्यूमेंट्री सैनत गुरु नानक देव जी दे रूहानी पेंडियां दी छाप जिहड़ी दिखाई जा रही है उन्हां नूं तैयार करन वाले जिहड़े इस दे निर्देशक ने जिहड़े इस दे डायरैक्टर ने सरदार अमरदीप सिंह जी ते मैडम वरिंदर कौर जी। सो असी के सी जी सी दे माध्यम दे राही उन्हां दे नाल उन्हां दे जिवें जिवें उन्हां ने ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की केड़ियां केड़ियां गल्लां नूं विशेष उन्हां ने रख्या वह तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं। उन्हां दे नाल जिहड़ी जिहड़ी गलबात होई खालसा कॉलेज फॉर वूमेन, सो आओ वेखदे हां उन्हां दे नाल होई गलबात दे कुछ अंश। प्रोफेसर और विद्यार्थी स्कूल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो भाई साहब होर बहुत बहुत मुबारकबाद है कि जिस तरीके का एक नामांकन किया गया, इतनी मेहनत की गई, खास करके हिस्ट्री के जिहड़ा काम करना एक मुश्किल भी होंगे कि हिस्ट्री हमेशा निकी मोटी कंट्रोवर्सी होंगी, हर इतिहासकार की कुछ तरीकों का फर्क होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, पर साढ़े को बहुत वड्डा आधार है। मैं डिग्री के सवाल ही करांगा, पर मेरी एक बेनती है कि मैं इन आलोचना के आधार से ही कर रहा, जो मैं नुकते नोट किए मैं एक दो मिनट में आप जी साझी करांगा। इस सबजैक्ट के उत्ते इस तरह भ्रमण करके बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गल तो मैनेजमेंट कमेटी खालसा कॉलेज वूमेन जिन्होंने मौका दिता थोड़े न फिर एक बारी स्टेज पर आने का, क्योंकि जिस तरह गुरमीत जी ने कहा है कि जो दूसरी किताब लिखी आए थे थोड़े सवाल का जवाब देने तो पहला मैं थोड़ी जी एक बात एक फिर तो मैं कह रहा कि जो तुम झलक देखी है इस वक्त वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, सिर्फ एक झलक है जिसको चार साल लग गए बनाने। तो जो अपने घर जाओगे अपने पेरेंट्स को अपने रिश्तेदार प्रेरणा देनी है कि दी गुरु नानक डॉट कॉम पर जाके चौवी कड़िया की दस्तावेजी उसमें देखने की कोशिश करें। फिलहाल चौवी एपीसोड अंग्रेजी की पूरी रिलीज ने उसे जी पंजाबी का सारा अजय उपराला चल रहा है उस विच हर हफ्ते असं एक एपीसोड रिलीज़ कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक एपीसोड को ज़्यादा हफ्ते ना देखो, क्योंकि उसमें अबजॉर्व भी करना है, उसको सोचना भी है, उसके बारे डिस्कस भी करना है। तो हौले हौले देखोगे तो छे महीने लग जाएंगे पूरा दस्तावेज देखने वास्ते। गुरु नानक साहब की पैदाइश तो दास देश तक ये पूरा दस्तावेज है। तो जी जी थैंक यू, क्वेश्चन बड़ा ठीक पूछा कि उपराला कितों आया। मैं कोई फिल्म मेकर नहीं है, मेरी वाइफ कोई फिल्म मेकर नहीं है, मेरी वाइफ फैशन डिजाइनर ने की है, उसके बाद असी सिंगापुर रह रहे हैं, इंडिया से पैदाइश की है, लेकिन मैं कोई 25 साल अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एज अ रेवेन्यू मैनेजमेंट हैड काम किया है। तो 2014 मेरा वो पड़ाव जिंदगी का खत्म होया, तो नवा पड़ाव शुरू होया क्रिएटिव फील्ड के अंदर। तुसी सारे यूथ हो, मैं एक प्रेरणावश तुम्हें एक चीज़ दसना जो मैं अक्सर यूथ के नाल गल करना, उस विचों तुहाडा आंसर निकलेगा क्वेश्चन का, सानू प्रेरणा कितों आई। तुहानू अपनी अगर जिंदगी के अंदर अगर कुछ करना है हासिल, तो एक फॉर्मूला जो मैं अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया है उसको तुसी अपनाने की कोशिश करो। वो की फॉर्मूला है? तो अक्सर लोग कहेंगे फॉलो योर पैशन, अपने पैशन से पीछे लग जाओ। मैं कुछ बोल बोलांगा, ध्यान नाल सुनना, डू नॉट फॉलो योर पैशन। अपने पैशन नू अपने जिहड़े जिहड़ा पैशन का मतलब वर्ड लिखा तो समझ ही हो पंजाबी की बोलिए, जनून, अपना जनून फॉलो ना करो, अपना जनून क्रिएट करो। फॉलो विच और क्रिएट विच जमीन आसमान का फर्क है। डू नॉट फॉलो योर पैशन, क्रिएट योर पैशन। मेरी जिंदगी के अंदर 25 साल 30 साल एक लेयर बनती रही है। बचपन तो 17 साल की उम्र के अंदर तारीख के बारे हिस्ट्री के बारे पढ़ रहा है, फिर म्यूजिकोलॉजी के बारे में, फिर अपने स्पिरिचुअल स्टडीज के बारे, ना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के बारे, होर सारे पक्षों के बारे भी
मैं काफ़ी टाइम आप लाया, फिर फोटोग्राफी की। मैं महसूस होता है 2014 के अंदर जो मैं जॉब अपनी छठी सी अमेरिकन एक्सप्रेस तो मैं इस काम वास्ते नहीं छठी सी, वो मैं छठिया से मेरी जॉब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, मैं जाना नहीं चाहता सर। साढ़े दो कुड़िया ने बच्चिया ने अपनी एजुकेशन डिस्टर्ब होनी सी, असी नहीं गए। मैंने नहीं करना सी कि मेरे अगे जिंदगी की रब ने कराना है, लेकिन जो पिछे किया 25-30 साल अपनी मेहनत लाई थी, मैंने हम महसूस होता 8 साल बाद कि रब की रूहानी एनर्जी उसको देख रही थी, उन्होंने पाल रही थी कि बंदा शायद हम तैयार हो गया है ये वास्ते हम दुआ दूजा खुआ खोल दो। वो खुआ कड़ा खुलिया कि पाकिस्तान में गया तो जो पहला इंट्रोड्यूस किया गया दो किताबा कीतिया जिद अंदर 126 शहर के पिंड के अंदर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलोचिस्तान और कश्मीर के अंदर 126 शहर पिंड के अंदर अपनी सिख विरासत को फोटोग्राफ और तारीख की देश की हिस्ट्री के नाम कलमबंद किया। सिर्फ इमारत ही नहीं ने 110 पेजेस के अंदर वो नानक पंथ की बिरादरी जो अज असी भुला दिखती है असी विसार दिता है उसको मैं 110 पेजेस के अंदर सिंध बलोचिस्तान के अंदर जो राकेश कुमार या कोई होर बैठा है जिदा बंसरीदार उन्हें सारिया की जी एक सभ्याचार है जिदा जो रहन है रहनी पैनी उसको देख के निचोड़ के पाया 2018 के अंदर ही जो काम मुकम्मल हो गया तो हम जिंदगी महसूस होता जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया। और मैं इसको कहना कि गुरु नानक की बाणी तो ही प्रेरणा मिलती है दुख दारू सुख भोग पया। दुख जरा फिजिकल दुख नहीं होता, क्रिएटिव स्पेस के अंदर कुछ चीज क्रिएट करनी हो एक अंदर का दुख होता है जिसनों असी पंजाबी बिरहा कह दिए लगता है कि कोई चीज तो अपना पर्पस छुट गया है हम की करना है। वो जितना दर्द होगा अंदर उतनी ही बॉडी की उड़ान ज्यादा तेज हुई और वो जो दर्द हो रहा है पर्पस खत्म हो गया उस एक चिंगारी आई दिमाग के अंदर 2018 के अक्टूबर के अंदर कि मैंने महसूस होता है कि ये पिछले कुछ साल के अंदर जो मैं चाहना करने वास्ते बूहे खुल रहे हैं तो हो सकता है इस कोशिश को अगर असी अगे एक पैर अगे रखिए तो हो सकता है वो एनर्जी 100 पैर अगे आके सू खड़े लेकिन किसी ने किया नहीं है। और बेसिकली वो प्रोजेक्ट सीगा कि 9 मुल्कों के अंदर गुरु नानक साहब के सफर को असी उन्होंने इलाकों उन्होंने इमारतों उन्होंने सोसायटीजों लगन की कोशिश करिए जो उन्होंने 5.5 साल का पहला सफर किया 2018 शुरू किया 4 साल हो गए ने करीब करीब थोड़े को इंग्लिश दस्तावेज किया हुआ है पंजाबी हरफ पे रिलीज हो रही है कोई सौखा काम नहीं सी बड़ा मुश्किल बहुत अड़चना आई ने ये थोड़ा मेरा दूसरा सवाल इतों तक है कि साढ़े को चार मुख्य स्रोत ने जिमें जनसाथियों ने पांच पीर भाई लाला जी वाली हरजी चतरपुर जी वाली लैस वाली जनसाथी भाई नंद सिंह वाली बहुत सारे मैट्स भी ने जोड़े साढ़े इतिहासकार ने स्थापित और इस अलावा भाई गुरदास जी की समुची रचना जी है उदासियों भी नाल दिखती है कि जेडे खास किसान आप मिल गए लेकिन एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए और इस काम वास्ते मेथडोलॉजी बहुत जरूरी है क्योंकि तुम गुरु नानक साहब के उत्ते काम कर रहे हो जिन्हों के उत्ते करोड़ों लोगों की आस्था है उस आस्था डिवाइड नहीं करना उस आस्था तोड़ना नहीं है लेकिन एक मैथडोलॉजी के नाल एक रैशनल तरीके भी प्रेजेंट करना है तो वह मैथडोलॉजी की होगी थोड़ा क्वेश्चन ये है तो पहले तो अभी अंडरस्टैंड करी जब गुरु नानक साहब चल रहे सन गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी अपने बारे कुछ नहीं लिखा उन्होंने
शब्द दिते उन्होंने सो अपनी विचार दिते जो साढ़े वास्ते एक प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन कई गुरु नानक साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने जीवन बारे में कुछ लिखा नहीं, उन्होंने सब तो क्लोज कुछ लिखा, खोरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, बाबर हम हिंदुस्तान के इलाके में सिंधु दरिया पार करके आ गए, खोरासान में उसने काफ़ी कुछ खत्म कर दिया, जो आज तक तुर्की देश इलाका, जो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन्ना ही जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं किया कि कितने मेरी मुलाकात बाबर नाल हुई, उन्होंने ये भी नहीं किया। असी किया कि उन्होंने मुलाकात अहमदाबाद हुई, ठीक है हुई, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर असी अगे चलिए 65 साल बाद गुरु नानक साहब जी जिसकी दे भाई गुरदास जी ने जब सीखा यह जिक्र किया, जिस तो पता चलता उन्होंने वारा तो हम गुरु भाई गुरदास जी गुरुआ के टाइम से लिख रहे हैं, गुरुआ की अजय जीवन चल रही है, तो उस हिंदू ग्रंथ नहीं कर सकते। उन्होंने ये साबित करता लिखिए कि गुरु नानक साहब कौन चले और कौन चलिया, उन्होंने सिर्फ एक शख्स का नाम दिता भाई मरदाना, दूजे शख्स का नाम नहीं दिता। उसी बाला का जिक्र किया, उन्होंने मैनशन नहीं किया, साढ़े वजह फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है कौन चले, उन्होंने गुरु नानक और भाई मरदाना चले, यही दो नाम आते हैं, और चले बगदाद तो मक्का तो लैके सुमेर पर्वत बटाला इस तरह का जिक्र करता। बस हम तुम कहो तुम 24 एपीसोड की दस्तावेज 20 घंटे का कॉन्टेंट तुम उन्हें सिर्फ 20 मिनट का कॉन्टेंट देखा, 20 घंटे का कॉन्टेंट देखना है वैबसाइट के उत्ते, और तुम किस तरह एक पौड़ी के दो पौड़िया बना सकते हो, कभी नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो हम तुम अगे चलना शुरू करते हो, तो मैन ऑफ फेथ, मैन ऑफ फेथ जे जे लोग गुरु नानक साहब के उत्ते आस्था रखते हैं, उन्होंने अपने प्रेम प्यार के नाल उन्होंने जीवन के बारे वृतांत लिखने शुरू किए। वो वृतांत कितों आए, मूल जबानी चल रहे हैं 65-60 साल तो लैके 150 साल तक का जो टेक्स्ट लिखा गया जन्म साखी लिटरेचर, उन्होंने जो चीज़ा अंकित कीतियां गई अजे भाई बाला जन्म साखी नहीं आई है, अजे वो करीब 150 साल तो बाद आती है, जिदे अंदर एक तीजे शब्द चलन शुरू हो जाते हैं गुरु नानक साहब ने थर्ड पर्सन भाई बाला। हम भाई बाला जन्म साखी की तुम मल्टीपल वर्जन देख लोगे, लाहौर च प्रिंट हुई है, जिदा जिदा टाइम बढ़ता जा रहा है उन्होंने गुरु नानक साहब का सफर भी बढ़ता जा रहा है। तो साढ़े वास्ते मैथडोलॉजी ये कि 150 साल तक के जो पुरातन टैक्स ने असी उन्होंने संग्रह लै लीए, बस उस तो अगे असी जाना, क्योंकि उस तो अगे असी जाना शुरू होवे तो अजकल की वट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु नानक साहब का सफर अजे रुकया नहीं है। तुम इस तो बाद यूट्यूब पर जाना और चीज लिखना गुरु नानक इन अमेरिका, तो भी एक वीडियो मिल जाएगी गुरु नानक हैज बीन ट्रैवल टू अमेरिका ऑल्सो, हम इस कितने रोकी है। तो मैथडोलॉजी सिंपल, मैं किसी का परंतु नहीं करना, किंतु नहीं करना, थोड़ी मैथडोलॉजी जो होगी आई रिस्पैक्ट इट, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा। हाँ साड़ी मैथडोलॉजी है असी 150 साल तक बाला जन्म साखी के टैक्स तो पहला तक लाइन खींच दी, उस संग्रह लैके बड़े लोगों ने काम किया है जिंदगी के अंदर, हर चीज की ए बी सी डी तो नहीं शुरू करनी है, साढ़े तो नॉलेज जी होती है ना नॉलेज लेयर से आती है, साढ़े तो पहला बहुत लोगों ने काम किया है और उन्होंने काफ़ी काम के अंदर PhD काम के अंदर तुम क्वेश्चन कर सकते हो जो साड़ी मैथडोलॉजी तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन कुछ काम किए गए जिन्हें जो असी डॉक्टर कृपाल सिंह की जन्म साखी परंपरा को आधार बनाया, होर भी काम है उन्होंने आधार बना के असी किया कि मैं कोई PhD वास्ते कुछ भी काम नहीं कर रहा, मेरा काम है उसको एक रूप देना। अज 550 साल बाद अफगानिस्तान में जाके उस ट्रेडिशन में लगना जो कि मुसलमान गायक गाते सन जो खत्म हो गया उसके थ्रू अगे लियाना साड़ा एक काम से, तो उसको निचोड़ को मिला के असी इस तरह बहुत बढ़िया। मेरा भी भाई साहब छेड़ना ठीक काम किया, काम इनका बहुत वीडियो है मैडम जी, सवाल समाप्त ही करेंगे तुम इस सारे सफर क्योंकि हाँ जी असी दोनों ने कभी
अमली का कॉन्सेप्ट सी का कि असली एक डॉक्टर सीरीज बनाई दें मैं इनाला साथ में आगे बढ़े असली कंट्री फिर सफल की का 18 महीने एंड और इतने सारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो दिस इज अ वुमेन कॉलेज आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरे सफल देश में सिर्फ कली औरत थी इन प्लेसेस लाइक अफगानिस्तान ईरान इराक पाकिस्तान इवन अदर स्टेट्स में जाने हैं अपना एक दिमागी कंडीशनिंग होती है वो मेरी चेंज हुई और जो मेरे नाल के मेल मेंबर्स हैं उन्होंने भी सोच नहीं पड़ी तो वो गुरु नानक के स्पिरिट विच आपे पुरख आपे ही नारी वो स्पिरिट है कि आई वुड लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स आउट हियर कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड दैट यू कैन अचीव एनीथिंग तो अमन जी ने लेटर पूरा बनाया स्टोरी बोर्ड लैके जो उन्होंने संभालते उन्होंने कहा कि तुम साढ़े को रोटी खाने नहीं हैगी सूँ रोटी प्रोवाइड कर दो अं तुम सारा कुछ दसांगे गुरुद्वारे वाले ने ना करती सो साड़ी मेरे ख्याल सिख धर्म की सब तो वड्डा ड्रॉबैक है कि असी जे कोई साढ़े को हेल्प लैंदा सानू साड़ी सभ्यता जां गुरु नानक देव जी की विजन सानू होर जोड़ना चाहता असी उहदे अगों हेल्प नहीं देंदे उहनू असी बाह नहीं फड़ांदे असी उहनां दी विजन नहीं लै सकते जो असं चलते हैं जिस मान लो तुम साउथ इंडिया का सब सफर देखो गुरु नानक साहब जो श्रीलंका जा रहे हैं वो एपीसोड देखो एक शख्स का बार बार जिक्र आएगा तो डॉक्यूमेंटेड है निजाम के हैदराबाद के जरा जरा निजाम से जो थले काम करते सन चंदू लाल हम चंदू लाल ने बड़ी वही अपनी एक पालना की उन्होंने त्रिवेंद्रम तिरुचिरापल्ली गुंटूर तिरुमनमलाई इहो जे पांच थावां दे अंदर मठ बनाए सन ये हुण अज तो असीं 150 साल पहलां कि तुसीं डेरा बाबा नानक दी चले जाओ ना तुसीं गौर नाल पढ़ना चंदू लाल दा नां थले लिखा होएगा डेरा बाबा नानक दे अंदर भी जमीन की सेवा उसने कराई सी इसका मतलब उस थां दा मतलब ये नहीं चंदू लाल ने अगर सेवा कराई तो मीन्स गुरु नानक की चीज उत्ते पई है ये थोड़ा सी चीज नूं फर्क करके देखिए कांचीपुरम के अंदर एक थम है जिसके अंदर एक ओंकार लिखा हुआ है अक्सर सिख जिहड़े गा के उस थम तो जिहड़े वाइट वॉश करता गया मैं 1993 की गल कर रहा हूं अक्सर जी सिखा ने आर्टिकल्स देखे ने बिकॉज एक ओंकार लिखा हुआ है कि गुरु नानक कितने आए नहीं वो मठ बनया है 150 साल पहला एक याददाश्त के तौर पर उस याददाश्त नु और कितने गुरु नानक आए ने इसको सारा असी अलग अलग रख के अगर सोच लगे ना तो एक बैकलॉजी निकलती है थैंक यू